विश्वकर्मणे नमः। नमस्कार साथियों, आप सभी का नरेंद्र विश्वकर्मा यूट्यूब चैनल में मैं नरेंद्र विश्वकर्मा हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं देवी संज्ञा कौन थी। कुछ एक ग्रंथों में संध्या भी मिलता है, श्रीमद् विश्वकर्मा महापुराण में देखें तो संध्या मिलता है। देवी संध्या या देवी संज्ञा कौन थी? तो देवी संध्या का जन्म है भगवान विश्वकर्मा जी की यहाँ पुत्री के रूप में हुआ था। यूं कहें तो देवी संज्ञा या संध्या भगवान विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। भगवान विश्वकर्मा जी के 5 पुत्र और 5 पुत्री थी। यदि आप देखना चाहते हैं तो भगवान विश्वकर्मा जी का परिवार पर मैंने एक वीडियो बनाया है, उनके पुत्र पुत्री नातन नाती पर वीडियो बनाया है। यदि आप देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक ऊपर आई बटन पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो हम बात करते हैं देवी संज्ञा कौन थी या संज्ञा कौन थी। तो देवी संज्ञा का जो जन्म हुआ था भगवान विश्वकर्मा जी के यहाँ हुआ था। तो देवी संज्ञा भगवान विश्वकर्मा जी की पुत्री थी। देवी संज्ञा का जी की शादी भगवान सूर्य से हुई। भगवान सूर्य से शादी होने के बाद इनके वैवाहिक जीवन में 2 पुत्रों और 1 पुत्री की प्राप्ति हुई थी। 2 पुत्रों में इन्हें धर्मराज और श्राद्धदेव और पुत्री में यमुना की प्राप्ति हुई थी। ये माता संज्ञा और सूर्यदेव के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। इसी प्रकार छाया की भी शादी भगवान सूर्य जी के साथ हुई थी। कुछ ग्रंथ कहते हैं कि जो छाया है वह माता संज्ञा का छाया प्रतिबिंब है। मैं इस पर किसी और दिन वीडियो बनाऊंगा, तो आप उस वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हर माह की तारीख 16 व अंतिम तारीख को भगवान विश्वकर्मा, विश्वकर्मा समाज व इतिहास से जुड़ी जानकारी पर शाम 8 बजे वीडियो अपलोड करता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अपना आंसर मिल चुका होगा।